कहानी दादी माँ का परिवार, लिखा है इसको रमाकांत ने। दादी माँ का परिवार एक कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, मतलब एकदम से अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, मतलब कि आंगन में ही वो बैठती थी, खाना बनाती थी और खाती थी, परिवार जनों से बतियाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती थी। रात होती थी तो सो जाती थी, दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवार जन फल फूल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका परिवार बढ़ रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार थी दादी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया, मतलब वो दादी माँ की दोस्त थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, मतलब यही उनकी दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये तीनों दोस्त थे। वे सब यदि होती तो खुश होती, तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ कभी दुखी तो भी नहीं रहती थी सुखी, मतलब दादी माँ कभी दुखी और कभी सुखी नहीं रहती थी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुनहरे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटे के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भोले वाले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते खाते गाते, खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो झगड़ो, टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी, नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, वह भी नहीं जा पाई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, प्रयत्न किए, निकल ना सके, उलझ गए, चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वो सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी थे क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुआई, मुनमुन थी उनकी हमजोली, मतलब उनकी सहेली, तुनुक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो क्या धरा है जब कुछ ना कर सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार,
हम एक साथ उड़ पाएंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वो तैयार। मीनू बोली एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वो उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उनमें, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में थे आए। चिंकी की आंखों में आंसू, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। क्लांत मतलब दुख, दुखी होना। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एका मतलब एकता। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली। बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी को सब यह बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, या अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो इससे बाहर। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही बचने की है युक्ति। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाएं कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 हैं होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी कौन? चुईया। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चिस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, चूहे के पैने दांत होते हैं, मतलब बहुत तेज। आजाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे थे। दादी माँ से बतिया रहे थे, टीनू मीनू चुस्कू मिस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुँह खुला। अंत भला तो सब भला, ये कहानी हुई ख़त्म।